पीएफआई का काला कच्चा चिट्ठा, विदेश में 13,000 की फौज, हवाला से करोड़ों का चंदा, ईडी के चौंकाने वाले खुलासे। प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ईडी ने पीएफआई से जुड़े नेटवर्क की 4 साल तक जांच की। जांच के बाद तैयार किए गए डोजियर से पता चला है कि पीएफआई के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर में सैकड़ों सदस्य और कार्यालय हैं। ईडी के डोजियर के अनुसार इस संगठन को साल 2022 के जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के असफल प्रयास के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था। गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम के तहत संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संगठन से जुड़े थे 13,000 सदस्य। जांच से पता चला है कि संगठन के सदस्य सिंगापुर सहित 5 खाड़ी देशों में भी सक्रिय थे। संगठन में कम से कम 13,000 सदस्य हैं। जांच से ये भी पता चला है कि कई अज्ञात दानदाताओं ने संगठन को वित्तीय मदद दी है। वही हवाला के जरिए संगठन को पैसे दिए जाते रहे हैं। संगठन ने ट्रस्टों और संबंध संस्थाओं के 29 बैंक खातों में नकदी जमा करने का खोल रखा था। पिछले कुछ साल में अलग अलग एजेंसियों ने इस संगठन की गतिविधियों से जुड़े होने के मामले में 26 शीर्ष पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन हिंसक मामलों में शामिल था पीएफआई। जांच के दौरान केरल में एक आतंकी कैंप का भी पता चला है। ईडी ने दावा किया कि संगठन दिल्ली दंगों, हाथरस में अशांति और जुलाई 2022 में पटना में अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी की जान लेने की कोशिश में शामिल था। ईडी ने यह भी दावा किया कि संगठन की ओर से फिजिकल एजुकेशन की आड़ में युवाओं को विस्फोटकों और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ईडी ने डोजियर में खुलासा किया कि यह संगठन कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में सक्रिय था। देश में जिहाद फैलाना था पीएफआई का लक्ष्य। जांच से पता चला है कि पीएफआई के वास्तविक उद्देश्य इसके संविधान में बताए गए उद्देश्यों से अलग है। पीएफआई के वास्तविक उद्देश्यों में जिहाद के माध्यम से भारत में एक इस्लामी आंदोलन को अंजाम देने के लिए एक संगठन का गठन करना शामिल है। ईडी ने बताया कि पीएफआई खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश करता है। पीएफआई के विरोध में अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों से पता चलता है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विरोध के तरीके हिंसक प्रकृति के हैं।